स्टूडेंट वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान से चैप्टर नंबर टू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके चैप्टर नंबर टू से आपके पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। और यहाँ से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बताऊँगा। और वो क्वेश्चन का सभी का PDF लिंक है, देखिए यहाँ पर PDF लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पासवर्ड वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। साथ में अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए PDF लिंक के साथ, तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि इस चैनल पर कमेंट पर बेहद ही ध्यान दिया जाता है। मैं जितनी भी वीडियो लाता हूँ सभी कमेंट के ऊपर ही लाता हूँ, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, जो कोई भी बच्चा कमेंट करेगा उसका रिप्लाई 1 घंटे के अंदर उसको मिल जाता है। और क्या, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, क्योंकि मैं सभी का PDF लिंक और उसका पासवर्ड सब कुछ एकदम फ्री में देता हूँ। ऑफकोर्स फ्री पढ़ाई आपकी करवाता हूँ, कुछ भी 1 रुपये नहीं, ठीक है, एकदम फ्री पढ़ाई। तो अब चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये डिफरेंटियल क्वेश्चन है, मतलब कि अंतर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब कि परागण और स्वपरागण में क्या अंतर होता है, इसके बीच का अंतर लिखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अंतर क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए, पहले यहां पर मैं आपको ले चलता हूं उस चीज पे जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने है जो परागण एवं परागण व निषेचन में अंतर, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जब ही आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है परागण, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है परागण और यहाँ पर लिखा है निषेचन, ठीक है, ऐसे ही आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही डालनी है, बीच में आपको खिंचा देनी है लाइन यहाँ से, ताकि ये अलग अलग हो जाए, ठीक है। ये आपको मैंने PDF इसका प्रोवाइड कर रखा है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने, पहला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़, परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। और दूसरी यहाँ पर चीज़ है, नर, देखो नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन निषेचन कहलाता है, ठीक है, ये डिफरेंट पहला हो गया। अब मैंने यहाँ पर चार डिफरेंट आपको बताए हुए हैं, आपको जितने याद हो जाए उतने आपके लिए ज़्यादा, मतलब कि जल्दी हो सकता है तो याद कर लीजिए, और PDF लिंक आपके पास रहेगा तो आप कभी भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए, ये अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि, ठीक है, परागण अनेक माध्यमों से होता है। दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए, इससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिए, ये क्रिया बीजांड के बाहर होती है, परागण की क्रिया बीजांड के बाहर होती है और निषेचन की क्रिया बीजांड के अंदर होती है। कितना सिंपल सा ये वाला जो है, कितना सिंपल सा अंतर है, ठीक है, तो एक आपको याद करना है, बहुत ही बिंदास तरीके से याद करें, ठीक है। अगला हमारा है परागण वाला, यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यह आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, सिंपल सिंपल है, एकदम सबको याद कर लेना आपको, ठीक है, और सबका PDF लेंगे एकदम फ्री मिलेगा, फ्री आपको, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक बात, चैनल को क्या करना है, इस चैनल पर हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, क्लास 12th बच्चों की, ठीक है, 12th वाले बच्चों की, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करके रखना है, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये बता दिया आपको परागण एवं निषेचन में क्या क्या अंतर होते हैं, आपको PDF लिंक से अच्छे से पढ़ना है, वरना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और वीडियो के बीच में आपको पासवर्ड मिल जाएगा PDF का, ठीक है, आप घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला है हमारा सेकेंड नंबर का, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर रखा है ऊपर, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, आप चाहे तो बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 से। और ऐसे ही मैं सभी चैप्टर की वीडियो आपको पहुँचा दूंगा, आपको दे दूंगा PDF लिंक के साथ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, सभी चैप्टर की वीडियो ऐसी PDF में, ठीक है, हर क्वेश्चन की वीडियो, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी और दीर्घोत्तरी, सभी की वीडियो आपको PDF के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्वपरागण जो है, स्वपरागण का पहला अंतर क्या है, ये देखिए, यह एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। और दूसरा यहाँ पर है,
पर परागण का अंतर, बीच में आपको लाइन खिंचाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बोर्ड एग्जाम में। यह एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है, ठीक है। अगला है हमारा, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, स्वपरागण में पुष्प द्विलिंगी होते हैं और जो पर परागण होता है प्रायः पुष्प एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए, पुष्प सुगंध व रंग रहित होते हैं और अगला है हमारा, पुष्प सुगंधित व रंगहीन होते हैं पर परागण के अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल अंतर है, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो, ठीक है। अगला है हमारा, किसी, यहाँ पर देखिए ये हमारा अगला है, किसी बाह माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बाह माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई भी बाह माध्यम हो सकता है, ठीक है, जल हो सकता है, वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने इसको समझा दिया आपको। अब आपको अगला दिखाता हूँ, अगला अंतर, ठीक है, जो आता है यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, लघु बीजाणु जनन वह गुरु बीजाणु जनन में अंतर, ठीक है। आपको लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, आपको ऐसे ही लाइन खिंचा के बीच में लिखनी है और सिंपल सिंपल लिखना है, ठीक है, एकदम। देखिए ये पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ये क्रिया पुंकेसर के पराग कोष में होती है, कौन सी क्रिया, लघु बीजाणु वाली क्रिया पुंकेसर के पराग कण में होती है, और गुरु बीजाणु वाली क्रिया कहाँ होती है, यहाँ पर देखिए, यह क्रिया स्त्री के पराग कण के अंदर होती है, ठीक है, और यह क्रिया पुंकेसर के पराग कण के अंदर होती है, सिंपल, स्त्री पुरुष वाला है ये, ठीक है। अगला माध्यम हमारा क्या, मतलब कि अगला अंतर क्या है हमारा, रुकिए, हाँ, इसमें अनेक पराग कण बनते हैं, लघु बीजाणु जनन का दूसरा अंतर है, इसमें अनेक पराग कण बनते हैं, और गुरु बीजाणु जनन का अगला अंतर है हमारा, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का अंतर जो है, इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर देखिए आप लोग, तीसरे नंबर का कौन सा, लघु बीजाणु जनन का तीसरे नंबर का देखिए, इसमें लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं, और इसका तीसरे नंबर का है, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष बनता है, ठीक है। और इसका आप चौथा नंबर का लास्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, लघु बीजाणु जनन में चार कोशिकाएं भाग लेती हैं, और इसमें जो है यहाँ पर चौथे नंबर में अंतर है हमारा, गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है, ठीक है, या भाग लेता है, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से लर्न कर रखना है, और पीडीएफ लिंक आपको मिल ही जाएगा, तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम के टाइम इसको लर्न करके जाना है, ठीक है। हमारा अगला जो है यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का आप लोग देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको, आवृत बीजी ओम अनावृत बीजी भूण पोषों में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो ये आवृत बीजी भूण पोष हो गए यहाँ पर हो गए, और ये हो गए अनावृत बीजी भूण पोष, ठीक है। तो बीच में आपको क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको लाइन खिंचानी है, सीधी एकदम लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा अंतर है, यहाँ पर देखिए, इन पादपों में भूण पोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, अतः यह त्रिगुणित 3N होता है। और इसमें क्या है हमारा पहला अंतर, अनावृत बीजी भूण पोष का पहला जो अंतर है, इनमें भूण पोष का निर्माण, यहाँ पर देखिए मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, ये देखिए ये बॉक्स के अंदर जो है, इनमें भूण पोष का निर्माण अगुणित गुरु बीजाणु से होता है, अतः यह अगुणित होता है अनावृत बीजियों में, इसे मादा युग्म कोद्भिद कहते हैं। अब इनका दूसरा अंतर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, इसका आवृत बीजी भूण पोष का दूसरा अंतर यहाँ पर ये देखिए, भूण पोष का विकास निषेचन पश्चात होता है, ठीक है, आवृत बीजी भूण पोष का विकास निषेचन के पश्चात होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए, अनावृत बीजी भूण पोष का विकास निषेचन से पहले हो जाता है, ठीक है, मतलब कि पूर्व हो जाता है, और इसका विकास पश्चात होता है, मतलब कि बाद में होता है, ठीक है। दोनों में सेम टू सेम हल्का फुल्का अंतर है, ठीक है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर चौथा अंतर इसका देखिए, सॉरी तीसरा अंतर यहाँ पर देखिए, इनमें यह है, सॉरी यहाँ पर ये देखिए, इनमें यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, और इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें नहीं है, इनमें स्त्री धानियाँ भूण पोष के भीतर ही विकसित होती हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल अंतर है, आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, पाँच नंबर का टॉपिक है हमारा भूण कोष, ये देखिए, भूण कोष और भूण पोष में अंतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका 11 और 12, 13 और 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कभी कभी और कभी कभी लगातार कभी कभी एक एक वर्ड छोड़ के पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा है ये देखिए, पहला मैं आपको कोष्ट ये बॉक्स के अंदर जो हमारा भूर्ण कोष अगुणित रचना है, और यहाँ पर देखिए क्या है, भ्रूण पोष एक त्रिगुणित रचना है, सिंपल अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप इसे याद कर लेना, यहाँ पर है ये देखिए, यह बीजांड के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पर देखिए यह बीजों के अंदर अंदर स्थित होता है, मतलब कि पाया जाता है। तीसरा अंतर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, इसमें भोजन संचित नहीं होता है और इसमें भोजन संचित रहता है, ठीक है। और अगला अंतर जो हमारा, आप इसे चौथे नंबर तीसरे नंबर के याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, यह निषेचन क्रिया से पूर्व निर्मित होता है, और यहाँ पर ये इसका तीसरा है, यह निषेचन क्रिया के पश्चात निर्मित होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इसको भी याद कर लेना है, चार से पाँच लिख दीजिएगा, या 3 से 4, आपको पूरे नंबर वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे आप याद कर सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हम नहीं देख पाएंगे, हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है वीडियो एक भी, और मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बीजांड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीजांड तथा बीज में अंतर क्या है, बीजांड तथा बीज में अंतर आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर बीजांड तथा बीज में, बीजों में अंतर, बीज में अंतर, ठीक है। तो आपको बीजांड का अंतर पहले और फिर बीज का अंतर, बीच में स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन करनी है आपको ऐसे करके, ठीक है। जब ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे वहाँ पे, नहीं एग्जामिनर का दिमाग जो है कन्फ्यूज कर दोगे आप लोग, ठीक है, तो नंबर आपको पूरे नहीं देगा वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बीजांड है और ये बीज है, ठीक है। तो बीज तो फल के अंदर ही होता है, सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन बीजांड क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। बीजांड देखिए यहाँ पर, ये बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाई जाने वाली गुरु बीजाणु धानी है। बीजांड क्या होती है, बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाई जाने वाली गुरु बीजाणु धानी होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या कहता है, इसका जो अंतर है यहाँ पर, बीज, बीज क्या है, बीज का पहला अंतर यहाँ पर देखिए, बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है, बीज का निर्माण फल के अंदर होता है, ठीक है। मतलब कि यही बीजांड निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा समझना है आपको। अगला हमारा, अगर आप यहाँ पर दूसरे नंबर का अंतर याद कीजिएगा, ठीक है, छोटा है काफ़ी, बीजांड में भ्रूण कोष उपस्थित होता है, और यहाँ पर देखिए बीज में भ्रूण कोष अनुपस्थित होता है, मतलब कि उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो ही याद कर लेना, इसमें काफ़ी लंबा लंबा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लास्ट नंबर का टॉपिक है, यहाँ पर है भ्रूण तथा बीज में अंतर, भ्रूण और बीज में अंतर आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए पहले भ्रूण हो गया और ये हो गया अपना बीज, ठीक है, और यहाँ पर हो गया इनका दोनों का अंतर। तो आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, जब ही आपको अच्छे से मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भ्रूण का जो पहला अंतर है, यहाँ पर देखिए आप लोग, भ्रूण का जो हमारा पहला अंतर है वो है निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के पश्चात मतलब कि बाद में बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा अंतर है, बीज का अंतर पहला वाला, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है, ठीक है, समझना है आपको, ठीक है। ये टॉपिक अगला हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का आप लोग लीजिए, यहाँ पर भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूण पोष बीजांड काय आदि पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चौथा दूसरे नंबर का आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है और ना आपके पास टाइम है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है, बीज से पृथक करके इसका भूमि में अंकुरण नहीं होता है और यह प्रायः नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज में अंकुरण से नया पादप बनता है, ठीक है। बीज जो है बोया जाता है और उसके अंकुरण से नया पादप बन जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, और यहाँ पर आपको पूरा मैंने बता दिया, देखो सभी टॉपिक आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है,
और क्या, वीडियो के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर से ज़रूर आपको लाइक करना है वीडियो को, जब भी मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी। ठीक है, तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो आप बंद करते हैं। ठीक है,